नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। देखिए, पिछले 5 वर्ष यहां से रेखा जी पार्षद थी और वो रेखा विनय चौहान, वो 5 साल उनके कामों पे, जो 5 साल हमने काम किए हैं रेखा जी ने और मैंने मिलके जो काम किए हैं उन कामों पे वोट मांग रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ गारंटी करी जा रही है, हमारे वार्ड के लोगों को मेरी गारंटी है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, स्वच्छ छवि है और सेवा भाव से हम लोग मोदी के टीम के सदस्य हैं, हम सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। चुनौतियां हमारे लिए इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट आए हुए हैं आम आदमी से, वो इम्पोर्ट होके आए हैं। पहले वो कांग्रेस में 10 साल यहाँ से निगम पार्षद भी रहे हैं और पिछली 17 में उनको 7,000 वोटों से हरा के हम लोग आए थे। तो चुनौतियां तो उनसे होती, कोई नया व्यक्ति होता या किसी की छवि होती है, उनकी और मेरी छवि में बहुत फर्क है। वो एक परिवारवाद का एक हिस्सा है। यहाँ से जो विधायक है उन्होंने अपने परिवार को दोबारा से, पहले वो कांग्रेस में था तो परिवारवाद था, अब दोनों कांग्रेस से आके यहाँ पे आम आदमी के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्षेत्र के लोग, आप देखिए, आप जाइएगा कहीं भी जाएंगे तो क्षेत्र के लोग कोई नहीं कहेगा कि रेखा जी और विनय चौहान नेचुरली, उन्होंने 10 साल यहाँ कूड़े के पहाड़ लगा दिए थे, कोई भी कार्य नहीं करते थे। और जब 5 साल से हमने यहाँ इतनी मेहनत की और सेवा की है, किसी भी तरह से एज ए पार्षद कोई हम पे एलिगेशन नहीं लगा, कभी हमने किसी के कामों में कोताही नहीं बरसी। लगातार मैं क्षेत्र में रहता हूँ 5 साल तक, जो अभी कैंडिडेट है 5 साल तक, अगर जो वो पहले 10 साल रहे हैं तो सुख दुख में भी किसी के नजर आए हो तो मैं गारंटी करता हूँ। देखिए, पहले सबसे पहले मोदी जी का सपना था स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत में सबसे पहली कड़ी होती निगम पार्षद। तो यहाँ देख, अभी आप आए हो दादा देव के पास, एक बहुत बड़ा खत्ता होता था, आप निकल नहीं सकते, सड़ांध आती थी। आज वहाँ कम्पैक्ट मशीन लगी हुई है, खाद बनती है, कोई वहाँ गंदगी नहीं है। ऐसे हमारे क्षेत्र में कई जगह, दुर्गा पार्क में एक बहुत बड़ा खत्ता होता था, वहाँ बिल्कुल आप चले जाइए इतना साफ मिलेगा आपको। रघुनगर वशिष्ठ पार्क के सामने चलिए, इतना बड़ा खत्ता था, वो 100-100 ट्रक मैंने वहां से खत्ता हटवा के, आज वहाँ पार्क बना हुआ है। हमारे क्षेत्र में बहुत कम एरिया है जहाँ पे पार्क आरक नहीं बन सकते, उसमें एक छोटा सा पार्क, अभी आप जाओगे जनक के सामने फुट ओवर ब्रिज के पास, देखना कितनी भीड़ होगी, छोटे छोटे बच्चे जिनको कहीं जाने की जगह नहीं थी, मैंने वहां पे गंदगी में से एक पार्क ने, अग्रवाल पे चले जाइए, अग्रवाल पे नाले के ऊपर इतना बुरा हाल था, वहां भी जाइए आप, उसमें सर्विस लाइन में पार्क मिलेगा। जगह जगह आप इस पूरी रोड पे चले जाए, ग्रीन बेल्ट बन गई जहाँ गंदगी होती थी, बीच बीच में बेंचें मिलेंगी, बुजुर्ग बैठे होंगे तो बहुत सारे लाइट, तो आप अभी जाइए जनकपुरी और उससे अच्छी लाइट मिलेगी हमारे इस दावड़ी वार्ड में। तभी तो उनके विधायक अरेस्ट हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, टिकटें बेच रहे हैं 90-90 लाख की, वो आरोपी तो लगाते हैं, ईमानदार वही है, उनके मंत्री जेल में है, सब आरोप वो लगाते हैं। मैं गारंटी करता हूँ, वो तो कहते हैं हम करते हैं, उन्होंने जिनको टिकट दिए ना उनसे बड़ा भ्रष्ट नहीं था इस एरिया में आज तक, किसी से पता कर लो जाके, जब मकान बनता था ना तो उनका भ्रष्टाचार पता चल जाएगा। और 5 साल मैंने रेखा जी में जब मकान जिनके बने हैं ना उनसे पूछ लिए जाके कि लेंटर पे वैसे नहीं लगोगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में निगम के पास बहुत चीजें नहीं होती हैं, कोरोना काल में आप देख लीजिए इनका एक भी आदमी नजर नहीं आता था, कोरोना काल में ये पूरे लोग गवाए, पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, हमारे क्षेत्र के लोग खड़े हैं, हमारे सब अपने खड़े हैं। कोरोना काल में मैं हफ्ते में 3 दिन खुद सैनिटाइज करता था, अपनी कॉलोनियों में जा जाके अपने हाथों से मैं सैनिटाइज करता था। कोई इनका एक भी राशन बांटा मैंने, हमने अपने पैसों से, हमारी एक संस्था है अपना नवयुग रामलीला कमेटी की, मैं 400 लोगों को डेली भोजन बनवाता था अपने पैसों से और अपने लोगों के सहयोग से। एक भी आम आदमी का कार्यकर्ता या इनका विधायक कहीं नजर आया हो, मुझे कोरोना हुआ था, मैं बिल्कुल जीवन से, मतलब ये सब की दुआएं थी, मैं बच के आया हूँ, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन सब दुआएं थी। और जब मैं आया तो सबने कहा कि भाई अब तो आराम से रहना, मैंने कहा नहीं, जब अब बचा दिया है तो सेवा करनी है तो करनी है। मैं लगातार क्षेत्र में रहता हूँ, लगातार अपने लोगों के सुख दुख में रहता हूँ। ये तो अभी जीत जाएंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे, इनका विधायक नहीं मिलता, लोग यहाँ पानी की इतनी समस्या, रोड है, आप चलिएगा हर गली टूटी पड़ी है, निकल नहीं सकते, बच्चे गिरते, बुजुर्ग तो गिरते चोटें लग रही, लेकिन सुनवाई नहीं। पता है विधायक जी का, राजस्थान गए हुए भाई, वहां लड़ो जाके राजस्थान, यहाँ के लोगों ने क्या गलती कर दी? केजरीवाल के नाम पे अगर जो आप जीत गए हो तो आप यह व्यवहार करो, सारी गलियां टूटी पड़ी है, कहीं चले जाओ आप निकल नहीं सकते। जी, मैंने सदैव कहा है कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं कोई काउंसलर नहीं बनूंगा, मैं एक जिम्मेदारी मिलेगी मुझे,
मुझे इसलिए वोट दीजिए कि मैं आपकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निर्वहन कर सकूं। मैंने और रेखा जी ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए निर्वहन का काम किया, अपने काम करके दिखाया है, मैं जो ना झूठे वादे करता हूँ ना झूठी बातें करता हूँ। आप मेरे काम को वोट दीजिएगा। आपने अगर जो देखा कि हम लोग दोनों पति पत्नी लगातार आपकी सेवा में रहे हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। तुलना कीजिएगा, अपना मत देने से पहले जरूर तुलना कीजिएगा उस कैंडिडेट में और हमारे में। मैं इस बेस पे काम हूँ और काम तो देखो भाई सब चलते रहते हैं। जो निगम के कार्य हैं उनमें कोई कोताही आज भी, हम 4-6 महीने से सीट पे नहीं है, लेकिन आज भी निगम के काम में अगर जो किसी का मुझे फोन आता है तो उसका काम तुरंत होता है, फोन पे होता है। इनके यहाँ तो ऑफिस में चक्कर काट काट के लोग मर जाते थे लेकिन काम नहीं होते थे, छोटे छोटे काम नहीं होते थे, क्योंकि निगम पार्षद कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाता है। निगम पार्षद मूलभूत सुविधाएं जो हमारी होती हैं उनके लिए बना हुआ है। आज पहले टिपर नहीं आता था, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आता था, आज दिन में 2-2 बार तक टिपर आता है यहाँ कूड़ा उठाने के लिए। तो काम किया है, काम के बेस में मांगे, अपनी ईमानदारी के बेस में मांगेंगे। ये नाले पे आप चले जा, पहले आप आते तो इस नाले पे यहीं से जहां से शुरू होता है इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते थे, पूरा नाला सड़ान मारता, निकल नहीं सकते था। आज स्वच्छता है, थोड़ा बहुत अब 6 महीने में किसी ने मलबा डाल दिया हो या तो मिलेगा, नहीं तो कूड़ा आज भी नहीं मिलेगा। तो जो कहते थे ना भाई कर्मचारी काम नहीं करते, बहुत सेवा की है निगम ने। जो निगम ने पिछले 5 साल में जबकि फंड का अभाव रखा, केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया, सैलरियां नहीं दी, तब भी निगम ने जितना काम किया, आज भी इनके मिनिस्टर और केजरीवाल एक काम गिनाते हैं कि उन्होंने उनके कार्यकाल में पिछले 7-8 साल में हमारा विधायक कोई काम गिना दे, ये भी कार्य जो है तो पुराने विधायक के कामों से हो रहे हैं। 3 साल में विधायक नहीं कोई अपना काम यहाँ पे विधानसभा में बता सकता है कि मैंने ये बड़ा काम किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज़ टीवी।